वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारा स्वागत है दिल्ली की सर्दी के साथ आप सबका हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस आज ना बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ चुकी है, तो हमने सोचा कि आज पूरा दिन ना हम घर में ही स्पेंड करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाने वाले क्योंकि धूप का ना बिल्कुल नामो निशान नहीं है। सो आज घर में ना सिद्धि आया हुआ है और हम बना रहे हैं मस्त वाले एक्ट टू पॉपकॉर्न। चलो तुम्हें भी दिखाती हूँ मैं कि कैसे बन रहे हैं हमारे मस्त से एक्ट टू पॉपकॉर्न, और बना रहा है हमारा शेफ सिद्धार्थ अग्रवाल, वो भी बिल्कुल ठाकुर स्टाइल में। लेट मी शो यू गाइस, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। पहले अपना ठाकुर स्टाइल तो दिखा दे थोड़ा सा। पता नहीं घर से उठ के ऐसे ही आ गए सीधा। ऐसे सही तो है गाइस। हाँ साड़ी पहन ले तो तेरा बस चले तो। साड़ी है ये। लग तो वैसे ही रहे पल्लू लट। अच्छा एक ठुमका प्रशांत ने भी देख उस दिन दिखाया था, प्लीज तू भी दिखाएगा पल्लू झूठे। मैं गाइस इसकी एक वीडियो मेरे पास है, वो वायरल अगर कर दूं ना मैं, जिसमें तूने लगाए थे ठुमके टीवी के आगे। तो यहाँ पे बन रहे हमारे एक्ट टू पॉपकॉर्न जो इधर से नहीं दिख रहे, यहाँ से दिखाती हूँ। हटा ना हाथ, ये देखो फ्लैश में देखो, इसको बस ऐसे डाल दिया बटर वाले और बस पॉप पॉप होके फटाफट से बन जाएंगे। ओ भाई तूफान आ गया अंदर, कुकर के अंदर तूफान। यार कितनी मस्त खुशबू आने लगती है ना जैसे पकने लगते हैं, मस्त बटर डिलाइट। तो फ्लेवर मैं दिखा देती हूँ हमने कौन सा यूज किया था इसमें ना, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप ये बटर डिलाइट वाला तुम लोग यूज कर सकते हो, बहुत टेस्टी है। चाहो तो जिसको एडिशनल बटर पसंद है वो ऊपर से भी डाल लो, बट हमारा काम इसी में चल जाता है। मस्त से पक गए हैं एंड नोनू नीचे गया हुआ है। इतने सारे हो गए, मस्त। देखो गाइस इतने सारे पॉपकॉर्न खाएंगे अब हम। ये थोड़े से उसके लिए रख देते हैं गोलू के लिए और ये हम खा लेते हैं। क्या कर रहा है तू ये? तो ये क्या कर रहा है तू? ये लोग आ चुके हैं देख, लोग अपनी स्कूटी धोके पॉपकॉर्न रखे तेरे से, बाकी सारे उड़ा गया, कम से कम अपने तो खा ले। खराब हो जाएंगे वो तब खाएंगे। तू फिर ऐसा बोला फिर पिटेगा। ये देखो क्या क्या सर्च कर रहा है ये बेशरम इंसान। स्पैम कॉल भी विदाउट वो आ रहे हैं। कोई तुझसे बात नहीं करना चाहता। अरे स्पैम कॉल है समझ। कोई स्पैम कॉल तो तूने तीन बार कैसे उठा लिया फिर? पहली बार ही उठाया। झूठे, इससे पहले भी आया था फोन ये? नहीं मेरे पास कॉल लॉग है, ठीक है। किसी काम का नहीं है, आज से बेदखल कर दिया मैंने तुझे हर एक चीज से, समझ आई है? ये जो दांत दिखा रहा है ना इनको मैं प्लास्टर निकालने में देरी नहीं लगाऊंगी। देख 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 फोन चला रहा है बदतमीज बंदर छा। गाइस फोन नहीं चलाना, यार अपनों के बीच में बैठकर भी तुम 24 घंटे फोन चलाओ, ये कहाँ की तमीज है तुम्हारी? शायद आप करते थे पहले। हे तो मैं तो सुधर गई, तू तो तब भी नहीं सुधरा। मैं तो सुधरा हुआ ही था। बेशरम इंसान। अरे ठीक है नहीं चला रहे और बताओ। बेशरम इंसान है, बेशरम। ठीक है गाइस ठाकुर जी जाते हैं। यहाँ से चला जा, तूने जितना बोर किया है ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ तुझे अब। मैं भी। हाँ निकल फिर। सेम थिंग। जरा पीछे से जरा देखते रहो। ठीक है ठीक है मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कौन से गांव के गवार लोग आ जाते हैं यहाँ पे। गाइज अभी शाम की कॉफी चल रही थी और उसके साथ ना एक बड़ा ही टेस्टी सा स्नैक मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे घर में रखा था और मुझे आज ही पता चला कि ये पड़ा है, सो मैंने निकाला। रुको पहले खोलने दो इस डब्बे को। नोनो इसको खोल दो प्लीज। इसके अंदर हल्दीराम का एक बहुत ही मस्त स्नैक है जो तुम भी ट्राई कर सकते हो। चकना बोलते हैं इसको, चकना। कौन सा ना? चकना 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 चना 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 चस्का। इट्स हल्दीराम का चना चस्का जो कि काफी टेम्पटिंग सा स्नैक है और ना उसकी तरह ये नट क्रैकर की तरह। इसको नहीं पसंद आता, ये पहले भी नहीं आया था लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा है, तो तुम लोग को भी पसंद आ सकता है, एक बार जरूर ट्राई करके देखो। यमी सालसा वाला नॉन स्पॉन्सर्ड है भाई, हल्दीराम मुझे स्पॉन्सर अभी तो नहीं करेगा एटलीस्ट। तो ये देखो चना चस्का ट्राई करो, यमी सालसा, बहुत ही सही सा टेस्ट है इसका और ज़्यादा मिर्ची वाला भी नहीं है। जैसा ये डिप है ना, डिप के साथ भी खा सकते हो या फिर डिप वाला टेस्ट कह सकते हैं इसके अंदर है, जो कि मुझे लगा नहीं बट हाँ टेस्टी बहुत है, पक्की बात है ये। और इसका जो MRP है वो ये लिखा है, 50 रुपये के आसपास ये आपको मिलेगा, ठीक है। और कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है बॉस, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई थी आज गोलू ने, थैंक्स। वेलकम। चले हम बाहर फटाफट से, चलो घर का सामान लेके आते हैं। तो
गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा बहुत घर का राशन लाने के लिए, जो कि एवरी मंथ होता ही है, करना होता है। इसे मंथली रिचुअल मानते हैं हम, कि जो गृहस्थी वाले लोग हैं ना, उनको ये रिचुअल निभाने पड़ता है। पर बाहर पड़ रही है बहुत ज्यादा ठंड इस टाइम तो दिल्ली में, भाई बिना अच्छे से कपड़े पहने बाहर मत जाना, वरना पछताना पड़ जाएगा। तबीयत खराब हो गई ना, फिर पूरा का पूरा टाइम में निकल जाएगा। इसीलिए मैंने गोले को भी समझाया कि जल्दी से फटाफट से रैप अप हो जाओ और चलते हैं जल्दी से। तो चलो चलते हैं, लेकर आते हैं आसपास से सामान जो भी लाना है। हम लोग यूजुअली अपना सामान ना यहाँ पे एक जो रिलायंस का स्मार्ट बाजार है वहां से लेके आते हैं, काफी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। सो नॉर्मल किराना स्टोर के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया ऑफर्स भी चलते हैं वहां पे। तो इफ यू वांट तो एक बार जाके वहां पे जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तड़पाए तरसाए रे, सारी रात जगाए रे, प्यार तेरा मुझे नहीं पता, ये पुराने बेकार गाने। दिल्ली की सर्दी कैसी लग रही है तुझे यहाँ पे? नोएडा में तो कम पड़ती थी इससे भाई, इतना बुरा हाल नहीं पड़ती थी, बट घर के चारों ओर धूप आता था तो पता नहीं चलता था। यहाँ पे लगती है ठंड जबरदस्त, धूप ही नहीं है, ऐसी लगती है पानी पानी वाली सर्दी। धूप निकल रही थी अभी तक, लेकिन अब नहीं आ रही बिल्कुल भी। गाइस दन्नों पे तो हमेशा ही ध्यान दिया जाता है। आज हमारी ये छुटकू बेबी भी नहा ली है और कैसे चमक रही है, मस्त फाइनली है ना। ओ इसमें क्या है, ये क्या है, क्या क्या औजार रखता है गोले? ओहो कारन बाइक बॉडी पॉलिश, ये कब खरीद लिया? आज आया ना मार्केट लेने, जब तू घर से गया था मार्केट जा रहा हूँ बस इन्हीं चीजों में। ये यहाँ रखते, क्या जरूरत थी इसकी? इसकी बहुत सारी, तो यहाँ मत रख यार। कोई नहीं। चलो भाई निकलते हैं फटाफट। ये इतना सामान यहाँ पे नहीं मिल रहा था। भैया यहाँ पे ना अभी हम निकले थे, मैं बताती हूँ, मेरी तो बदतमीज है ना सिद्धार्थ, मुझे बहुत कतई गुस्सा आती है उस आदमी के ऊपर। हम निकले थे घर का राशन लाने के लिए और हमें कोई चीज़ पूछनी थी इससे मार्केट में, करते रहे फोन। इसने एक फोन नहीं उठाया और उसके बाद यहाँ तक हमें घर के आगे तक आना पड़ा है सिर्फ इससे एक छोटी सी बात पूछने के लिए, और अभी भी आके कह रहे हैं तो क्या हुआ? मैं पिक्चर देख रहा था, मैं 12th फेल देख रहा था। कैसे पास कर गया 12th? मतलब लिटरली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज ना इसके अंदर है ही नहीं। एक फोन उठा लेता ना हमें इतनी दूर से यहाँ नहीं आना पड़ता, और अभी तक भी ना हमारा काम हुआ नहीं है क्योंकि हमारा बैग एज इट इज है, कुछ नहीं खरीद पाए हम। एक छोटी सी चीज पूछने के चक्कर में ना पूरा काम अटका पड़ा था। अब भाग गया है ऊपर, बोल रहा है कि पूछ कर आता हूँ घर पर, पता नहीं क्या पूछने गया है बेवकूफ कहीं का। बोले सुना दिया कर उसको अपने न्यू, इसको देखो मैंने इसको न्यू ग्लव्स दिलाए हैं, क्यूट क्यूट से कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे। ये वाले जो मैंने पहने, मेरा है, था ये मेरा था, ये अब लूट गया मैं। तो मैंने आपको न्यू लेके दिए ना, मैंने तो पुराने पहने ना। ये देखो ईटो वाले भाई, ले लियो मेरे से पैसे, मैंने ही दिलवाए ये। उस टाइम तूने पेटीएम कर दिया तो ज्यादा बन रहा है। नोनू कुकी कैसे करती है? नहीं करती नोनू यार, एक बारी प्लीज यार, ये जब मैं कहती हूँ तब कभी नहीं करता, करके दिखा दे प्लीज। जब बोल दो तो होगा नहीं इससे। ब्रिटिश हेयर फाइनली, पहले सामान ले आते फिर मम्मी को भी कुछ काम है। इतने हेट कमेंट्स करो क्या देख रहे हो कि इसको शर्म आ जाए थोड़ी सी बदतमीजी करने से। 11 मिनट की मूवी छूट गई तेरी, 11 मिनट की मूवी छूटी, हमारा सारा काम छूट गया। ये देख ले थैला मैं लेके गई थी खाली है, राशन भी नहीं आया। अब क्या करेंगे हम? क्योंकि हम यहाँ आ गए, हम राशन लेके आते तो हमें कुकी को कपड़े भी पहनाने थे, नहीं हो पाता सब मैनेज, हो जाता। हाँ ठीक है, हेट कमेंट्स, चल ले टाइम पास, फिर उतार दिया, नहीं लाया उसको। चलो तुम दोनों जाओ, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, उसके बाद मुझे पिक कर लेना। ओके गाइस, ये पिक कर लेंगे, फिर मेरे को जरा काम है घर का। तू कब आएगा फिर मेरे घर? थोड़ी देर में। थोड़ी देर कितनी देर? अरे पहले मम्मी को एक शीतल आंटी के यहाँ लेके जाना है, कुछ पैसे लेके आने हैं। ठीक है ठीक है, मतलब परमिशन मिल गई है ना ओवरऑल? तूने पूछा या नहीं? पूछ लिया, तभी तो मैंने कहा कि उनका काम कर देगा, वो खुश हो जाएंगी तो फिर परमिशन दे देंगी कि जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इल्वे भी जा रहा है तो फिर तो तुझे मिली जाएगी परमिशन। नहीं मिली तो मिल जाएगी, नहीं मिली तो अरे चिल करो ना, फिर बाले ही नेगेटिव कमेंट। बाय, चले मेरे गोलू को ध्यान से लेके जाइयो, सच समझ आ गई? देखने दो सोचो, चलो मैं जा रही हूँ घर। ओके गाइस, छुटका छुटका से हाय हाय कर दो। आज मेरी कुकू की तबीयत ठीक नहीं है, कुकू को जल्दी जल्दी से गेट वेल सून बोल दो सब। छुटका बैठा है हीटर में,
क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आ नहाई नहाई करी ना इसने, बट कपड़े नहीं पहने हैं अभी। नंगू पुंगू दो तो हाय कर दो। और ये पीछे मम्मी को देखो, पता नहीं क्या जीभ निकाल रही है क्या। तो दोस्तों आज बनाए नाइट स्टे का प्लान। और ऐसे पकड़, ऐसे जब भी पकड़ना ना ऐसे पकड़ो, आप ऐसे पकड़ते हो ना तो आप ज्यादा ज्यादा नहीं व्यू एंगल आएगा, ऐसे पकड़ो तो अच्छे से व्यू एंगल आएगा। आज नाइट स्टे का प्लान बनाया, ये आया हमारे घर रुकने के लिए वाह। और कल चला जाएगा सुबह सुबह, लेकिन कल क्लास भी है भाई, तू ही जाएगा मेरे साथ, ये नहीं जाएगा। ये गाइस मैं श्योर नहीं दे सकता। देखते हैं इन दोनों में से जो भी पहले हम देखेंगे कोई अच्छी सी मूवी या फिर गाने वाने सुनेंगे, थोड़ा सा न्यू ईयर खत्म होने से मतलब न्यू ईयर आने से पहले हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, सारी मेमोरीज वापस से रिकॉल कर ले साल में जो भी बढ़िया बढ़िया हुआ, जैसा भी हुआ। अच्छी बुरी हर तरीके की तो यादें थी, दांत क्या फाड़ रहा है। दिल्ली में बुरी बुरी यादें रह गई थी गाइस, इसके लिए ये गम में ही रहेगा जीवन भर, पता नहीं समझ। मैं गम में नहीं हूँ गाइस, ठीक है, ये गम में है, वो दिख रहा है, ये रो रही थी अभी अभी दो मिनट पहले रो रही थी। मेरे को मूड स्विंग्स होते रहते हैं उसको। गाइस बस आज का व्लॉग यहीं पे हम एंड करेंगे, बिकॉज अभी हमें कुछ काम है, कुछ काम नहीं है वैसे तो, लेकिन आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, तो मैं इसको यहीं पे एंड करना पसंद करूंगी। और मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अगर तुम लोग पहली बार देख रहे हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब ठोको, बेल बटन क्लिक करो नोटिफिकेशन आइकन को, ताकि सारे व्लॉग्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए भाई। और अब हम नए साल में एंटर कर रहे हैं, तो देखेंगे न्यू ईयर में क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। एंड अगेन एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बॉस। तो चलो मिलेंगे बहुत जल्द, अभी के लिए टाटा बाय बाय बाय।